क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज चल रही है हमारी फर्स्ट ए, पदिक समीकरण और चाप की लंबाई के अवकलज। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है कि वक्र आर इंटू थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वेयर पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया हुआ है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल ऑन ए टेंजेंट टू द कर्व आर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू ए थीटा स्क्वेयर। इसको हमें कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेंजेंट पर कहा है उसने, हिंदी में जो लिखी हुई वर्डिंग है उसमें स्पर्श रेखा नहीं दी हुई जो गलत है। क्वेश्चन पूरा ये है कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वक्र दिया हुआ है इस प्रकार का, ये हमारे पास ध्रुव आ गया, ये स्पर्श रेखा आ गई, इस ध्रुव से इस रेखा पर डाला गया ये लंब, इस लंब की लंबाई जिसको हम P से व्यक्त किया करते थे, इस P का मान ज्ञात करना है। P का मान निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार से था, 1/P² इक्वल्स टू 1/R² प्लस 1/R⁴ dr/dθ का होल स्क्वेयर, या इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/R² इंटू 1 प्लस 1/R dr/dθ का होल स्क्वेयर। P का मान निकालना है इस समीकरण में मान रख के। सबसे पहले R का मान निकालते हैं दी गई समीकरण से, a थीटा स्क्वेयर अपॉन थीटा माइनस 1 dr/dθ निकालेंगे, ये बन जाएगा थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर, थीटा माइनस 1 एज इट इज 2a थीटा माइनस a थीटा स्क्वेयर एज इट इज थीटा माइनस 1 का 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 2a थीटा स्क्वेयर माइनस 2a थीटा माइनस a थीटा स्क्वेयर अपॉन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर, और सॉल्व करें a थीटा स्क्वेयर माइनस 2a थीटा अपॉन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर, जिसको हम a और थीटा कॉमन लेते हुए थीटा माइनस 2 बटे थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार हमें चाहिए 1/R dr/dθ। 1/R का मतलब है ये रहा आर, इसका उल्टा, यानी थीटा माइनस 1 बटे a थीटा स्क्वेयर इंटू a थीटा इंटू थीटा माइनस 2 अपॉन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर। ये एक पावर कट जाएगी, ये आ जाएगा a थीटा, थीटा से ये थीटा और a से a भी कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा इंटू माइनस 2 अपॉन, ये पार्ट बचेगा भी आपके पास। ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे हम, तो 1/P² इक्वल्स टू 1/R² 1/R की वैल्यू हमारे पास है, 1/R² की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा इंटू 1 प्लस थीटा माइनस 2 अपॉन थीटा इंटू थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर। सॉल्व करो, थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर अपॉन a थीटा स्क्वेयर इंटू लघुत्तम थीटा स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस प्लस थीटा माइनस 2 का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर थीटा की पावर 4 आएगी। ये पार्ट कट जाएगा, ये थीटा स्क्वेयर से नहीं और कुछ नहीं कटेगा इसमें, ये बन जाएगा आपके पास थीटा स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4 थीटा, और पूरे के बटे में बचेगा ए स्क्वेयर थीटा की पावर 6।
ये हो जाएगा थीटा की पावर 4 प्लस 2 थीटा स्क्वेयर, ये थीटा स्क्वेयर और ये थीटा स्क्वेयर जोड़ दिया मैंने, माइनस 2 थीटा क्यूब प्लस 4 माइनस 4 थीटा बटे ए स्क्वेयर थीटा की पावर 6, या 1 अपॉन ए स्क्वेयर कॉन्स्टेंट की फॉर्म में बाहर ले लें, अलग अलग कर लें, तो 1 बटे थीटा स्क्वेयर माइनस 2 बटे थीटा क्यूब प्लस 2 बटे थीटा की पावर 4 माइनस 4 बटे थीटा की पावर 5 प्लस 4 बटे थीटा की पावर 6। ये हमारे पास 1 बटे पी स्क्वेयर का मान है। पी का मान निकाला जा सकता है इस उत्तर की सहायता से, ये सॉल्यूशन होगा। पदिक समीकरण किसे कहते हैं? पैडल इक्वेशन क्या थी? पी और आर में रिलेशन संबंध। अगर हम पी और आर में कोई भी संबंध ज्ञात कर देते हैं तो उसे हम पदिक समीकरण कहते हैं या पैडल इक्वेशन कहते हैं। अब रिलेशन बिटवीन पी एंड आर ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन तो ये दे दी, आर इज इक्वल टू ए इन टू वन प्लस कॉस थीटा। एक इक्वेशन हम इससे बना सकते हैं, वन अपॉन पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन आर स्केयर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा का होल स्केयर। दो रिलेशन आ जाएंगे, वहां पे थीटा आएगा, उसको यहां से हटाना होगा। वो कैसे हटाएंगे वो हमें चेक करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करते हैं, डी आर बाई डी थीटा ये बन जाएगा ए इंटू माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, वन अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बन जाएगा। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन ए माइनस 1। साइन थीटा निकाला जा सकता है, साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, वन माइनस आर अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वेयर। सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वेयर इंटू वन माइनस, इसका होल स्क्वेयर खोल दें तो आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2 आर अपॉन ए प्लस हो जाएगा और माइनस का 1, 1 से ये 1 कैंसिल। ए स्क्वेयर एलसीएम ले लें, वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर 4 इंटू ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर एलसीएम, यहाँ माइनस आर स्क्वेयर प्लस 2 ए आर, ए स्क्वेयर टू ए स्क्वेयर कैंसिल, वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस आर की पावर 4 से डिवाइड कर दो, माइनस वन अपॉन आर स्क्वेयर बन जाएगा और इसमें डिवाइड करेंगे तो प्लस का 2 ए अपॉन आर क्यूब बचेगा, ये भी कैंसिल। वन अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 ए अपॉन आर क्यूब और पी स्क्वेयर इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन 2 ए इज द पैडल इक्वेशन फॉर द गिवन कर्व। इस तरह से हमें सॉल्व करना है, यानी ओनली पी और आर में रिलेशन निकालना है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला ये दिया हुआ है और एक फार्मूला ये भी है हमारे पास, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई। पहले फाई की वैल्यू निकाल के साइन फाई निकाला जा सकता है और साइन फाई की वैल्यू थीटा की फॉर्म में आएगी, जो पुट करते हुए हम वापस से पैडल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। कुछ इसी प्रकार का एक और पार्ट करवा देता हूं मैं, जैसे आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए कॉस टू थीटा है, ए स्क्वेयर कॉस टू थीटा सेकेंड पार्ट इसका, ए स्क्वेयर कॉस टू थीटा, डिफ्रेंशिएट करो, 2r डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू माइनस का 2 साइन 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन r। वैल्यू पुट कर दो, पहले साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस 2 थीटा की वैल्यू ये रही तो माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर इंटू कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, वन माइनस आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट होगा।
साइन दो थीटा की कॉस दो थीटा की वैल्यू आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर है, तो साइंस दो थीटा की वैल्यू निकालेंगे अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वेयर दो थीटा होगा, कॉस स्क्वेयर दो थीटा आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर का अंडर रूट हो गया। अब उसमें इक्वेशन में पुट करें तो वन अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर इंटू ए की पावर फोर अपॉन आर स्क्वेयर अंडर रूट ऑफ वन माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की होल स्क्वेयर करेंगे। ये सॉल्व करने पर वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए की पावर फोर अपॉन आर की पावर सिक्स इंटू वन माइनस आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर दो वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए की पावर फोर अपॉन आर की पावर सिक्स माइनस ए स्क्वेयर अपॉन आर की पावर फोर वन अपॉन पी स्क्वेयर। अगर सॉल्व कर सकते हो तो देख लीजिए, वरना ये आंसर है क्योंकि पी और आर में रिलेशन आ गया हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना था। ये दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा, चेंज करना है डी आर बाई डी थीटा निकालेंगे, ये बन जाएगा ए सेक हाइपरबोलिक एन थीटा टेन हाइपरबोलिक एन थीटा, अवकलन करेंगे तो अवकलन लगभग वैसे ही है, सिर्फ माइनस प्लस के चिन्ह में हमारे पास फर्क पड़ता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बाकी सारे फार्मूले हाइपरबोलिक फंक्शन के सेम रहते हैं। डी आर बाई डी थीटा आ गया, वैल्यू रखेंगे वन अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर ए स्क्वेयर सेक हाइपरबोलिक स्क्वेयर एन थीटा इंटू एन और आएगा टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एन थीटा इंटू एन स्क्वेयर वन अपॉन आर स्क्वेयर वन अपॉन आर की पावर फोर इंटू ए स्क्वेयर एन स्क्वेयर। सेक की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ए सेक की आर है तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो आर स्क्वेयर हो जाएगी, तो इसको हम आर स्क्वेयर लिख देते हैं इस पूरे को, इंटू में एन स्क्वेयर आ जाएगा ये वाला, और टेन हाइपरबोलिक के लिए सूत्र बनाएंगे। टेन हाइपरबोलिक के लिए सूत्र ये होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वेयर एन थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एन थीटा, वन माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एन थीटा होता है, इतना चेंज आता है इसमें। वहाँ पे वन प्लस टेन टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक्स के थीटा था, या वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा बराबर सेक्स के थीटा आएगा। इसका अगर यूज करते हैं तो ये बन जाएगा वन माइनस सेक हाइपरबोलिक यानी आर स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर से ये एक आर स्क्वेयर की फॉर्म में कट जाएगा, एक बटे आर स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर बटे आर स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर बचेगा वन अपॉन पी स्क्वेयर के अपॉन में, जो कि पी और आर में एक रिलेशन है। अगर थोड़ा बहुत सॉल्व और किया होगा तो उसके अनुसार आंसर मैच किया जा सकता है, अन्यथा ये हमारे पास आंसर होगा। ए और बी की फॉर्म में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर ये सही है अपना। ई पार्ट कर रहे हैं इसमें, पदिक समीकरण में चेंज कीजिए, तो पैडल इक्वेशन में चेंज करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे इसको सबसे पहले, एम आर की पावर एम माइनस वन डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस साइन एम थीटा इंटू एम, एम से एम कैंसिल, डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई ए की पावर एम माइनस का साइन एम थीटा अपॉन आर की पावर एम माइनस वन। इक्वेशन में पुट करो वन अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर इंटू डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वेयर ए की पावर टू एम साइन स्क्वेयर एम थीटा अपॉन आर की पावर टू एम माइनस टू। सॉल्व करेंगे वन अपॉन आर स्क्वेयर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर, इसको दोनों को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा टू एम प्लस टू, यहाँ ए की पावर टू एम भी बाहर ले लेते हैं, साइन स्क्वेयर है वन माइनस कॉस स्क्वेयर लिखेंगे, कॉस स्क्वेयर की वैल्यू
आर की पावर 2m अपॉन ए की पावर 2m, मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए की पावर 2m अपॉन आर की पावर 2m प्लस 2 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वेयर बचेगा, ये भी कैंसिल, 1 अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू आ गया ए की पावर 2m अपॉन आर की पावर 2m प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा ए की पावर एम पी इक्वल्स टू आर की पावर एम प्लस 1, जो कि पेडल इक्वेशन है। पदिक समीकरण निकालने के लिए स्पर्श रेखा की समीकरण चाहिए, इसमें हमें टेंजेंट की इक्वेशन, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के बाद में उसकी मूल बिंदु से लंबवत दूरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो निकालेंगे, जिसको पी कहेंगे, और पी और आर एक पॉइंट होगा, उस ओरिजिन से उस पॉइंट की जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी डिस्टेंस, उसको आर कहते हैं, उस पी और आर में रिलेशन निकालना है। मान के चलते हैं कि लेट एच कोमा के इज ए पॉइंट वे वी हैव टेंजेंट, हम ये मान के चलते हैं कि एक टेंजेंट जहां पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो एच कोमा के है। अगर एच कोमा के है तो एच कोमा के इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एच स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस के स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल्स टू 1 होगा इक्वेशन नंबर 1। स्पर्श रेखा की समीकरण निकालने के लिए, टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप चाहिए हमें, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं x के विद रिस्पेक्ट, तो 2x अपॉन ए स्क्वेयर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वेयर एक्स अपॉन ए स्क्वेयर वाई, बट एच कोमा के से पास होता है इसलिए स्लोप बन जाएगा बी स्क्वेयर एच अपॉन ए स्क्वेयर के, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्पर्श रेखा की समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी स्क्वेयर एच अपॉन ए स्क्वेयर के इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यही था फार्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वेयर अपॉन के से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये बन जाएगा वाई के अपॉन बी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर। इसको इधर और इसको इधर ले जाएं तो ये इक्वेशन बन रही है एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एच अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वेयर, लेकिन एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई है, ये रही इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी आपके पास एक्स एच अपॉन ए स्क्वेयर माइनस वाई के अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इसकी ओरिजिन 0 0 से दूरी ज्ञात करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 को पी से व्यक्त करते हैं, और उसके डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है एक्स और वाई की जगह 0 0 रख दिया जाता है और अपॉन में उनके कोफिशियंट का स्क्वेयर हो जाता है, वर्गमूल स्क्वेयर रूट निकालते हैं। अगर एक्स और वाई की जगह 0 रखेंगे तो यहां माइनस 1 आएगा, अपॉन में इनके कोफिशियंट यानी एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस एच अपॉन ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और के अपॉन बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर हो जाएगा, यह हमारे पास कंडीशन बनेगी। इसको सॉल्व करें तो देखो ये लिखा जा सकता है 1 अपॉन पी स्क्वेयर इक्वल्स टू रेसिप्रोकल लेके स्क्वेयरिंग कर रहे हैं बोथ साइड में, ये बन जाएगा एच स्क्वेयर अपॉन ए की पावर 4 प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी की पावर 4। ये कंडीशन बन रही है 0 0 से डिस्टेंस निकालने पर, 0 0 से किसी भी लाइन की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर अगर अल्फा बीटा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू था
ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो आपने 11 ट्वेल्थ में किया हुआ है उसी फॉर्मूले का यूज़ किया। अल्फा और बीटा की जगह 0 0 है इसमें, अगर यहाँ 0 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, अपॉन में एक्स के कोफिशियंट एच अपॉन ए स्क्वेयर और वाई के कोफिशियंट के अपॉन बी स्क्वेयर के होल स्क्वेयर का सम करते हुए अंडर रूट निकालेंगे। ये पैटर्न था हमारा, इसी का हम यूज़ कर रहे हैं। अभी हमें ये दिया हुआ है कि एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू है आर स्क्वेयर के, इसका यूज़ करते हुए इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करने के लिए एच और के को हटाना है, एक इक्वेशन ये रही हमारे पास, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, इन तीन का यूज़ करते हुए हमें पी और आर में रिलेशन निकालना है, एच और के को रिमूव करना है। एच और के को रिमूव करने के लिए एक तो यहां से कंडीशन ले लेते हैं, एच स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली हमने, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री, ये वैल्यू इसमें और इसमें दोनों में पुट कर देते हैं, 1 अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर और 1 अपॉन पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 3, यहां से एच स्क्वेयर की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगी ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, या के स्क्वेयर कॉमन ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, के स्क्वेयर की वैल्यू अपॉन बी स्क्वेयर की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, इसमें बी स्क्वेयर एलसीएम ले लें तो आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसको सॉल्व करना है, जो भी हमारे पास आंसर आएगा दैट इज द रिजल्ट। सॉल्व करने के लिए नॉर्मल सा हमारे पास पार्ट है कि इन दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर माइनस ए की पावर 4। अलग अलग करके और सॉल्व करेंगे तो वो जो रिजल्ट इसने दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है, वो सॉल्व करना पड़ेगा हमें थोड़ा बहुत और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।